मोहाली की कारपोरेशन दे विच वड्डे कपले दे इल्जाम लगे ने। सीधे तौर पर चौथा दर्जा जिहड़े मुलाजम ने उन्हां दी तकेशाही दे नाल लुट हो रही है, रेहड़ी फड़ी वालों तो वसूली की जा रही है ते मामला छोटा वड्डा नहीं। मोहाली अरगा क्योंकि म्यूनसिपल कारपोरेशन चंडीगढ़ के नाल लगता है, एक विकसित शहर होवे तां उहदे विच तुसीं कह रहे हो वड्डे पद्धर ते धांधलियां हो रही, खास करके मुलाजम वर्ग की लुट हो रही है। 2020 एक मता पाया सी सरकार ने कि 958 बंदे ऑनलाइन भर्ती करो, उहदे च सिर्फ 200-250 बंदा ही इन्होंने ऑनलाइन भर्ती करे, जबकि पहला जिहड़ा ठेका सी उहदे च घट्टो घट्ट 2000 बंदा काम कर रहा। 2000 बंदे का जिहड़ा पैसा ठेकेदार नूं दे रहे सी या ठेकेदार तों लै रहे सी, इन्हां ने जिहड़े इन्हां दे जिहड़े मिली भुगत अफसर जिहड़े कमिश्नर या जिहड़े सैकटरी है उन्होंने 250 बंदे तो ही 2000 बंदे का काम लिया। डोर टू डोर का वह ठेका अलग, वह तो अपना 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 काम वो भर्ती करके जेडे एरिए डोर टू डोर करते उसी चीज सफाई मारते 80-80 हज़ार रुपये एक बंदे तो लैना। रैली करनी, रैली च की करना, एक पानी की टैंकी लानी, एक स्पीकर लाना। डेराबासी तो भी 80-90 हज़ार रुपया आता है, जीरकपुर तो भी 80-90 हज़ार आता, मोहाली तो भी 2-2.5 लाख रुपया आता, मतलब 5-6 लाख रुपए की रैली होती। उन्होंने कहा भी तुम इन्ना पैसा जरा इन्हों दें अपने बच्चे की पढ़ाई दिला, रैली करते रैली से कहना तुम खाना खवा। वो कहते नहीं असं प्रेस वाले पैसा दे दें, असी उपर पैसा दे दें, मैं कह ट्रैक्टर ट्राली मगर ला लेंगे, वह भी पानी होंगे जी कमेटी का, एक स्पीकर दे रश के तो देख लो कि खर्चा होना चाहिए 1000 या 2000। सरकार ने जो 2000 मता पाया तो उन्होंने जेडे अपने बंदे से सारे कराती, जबकि कमिश्नर ने कोई ऐसी ऐड नहीं दी किसी अखबार में, इन्होंने अपने बंदे दसता भी ऑनलाइन भर्ती कर लो, आ लै जो साड़ी मेल नंबर, तो जेडे अपने अपने बंदे रखा ले, जो बेचारा 10-10 साल तो 12-12 साल तो मुलाजम लगे हुए थे वो सारे अज अपने घर। सरकारी कह के बोगस भर्ती की गई है, तो नाले ये भी गल सामने आ रही है कि बोगस भर्ती इस तरीके की गई है कि बंदा कुछ बोल भी नहीं सकता। जिहड़े इन्होंने बाहरली स्टेटा तो बंदे लिया के उन्होंने तो पैसा लेके पैसा भी इस तरह लिया कि अज वो बोल भी नहीं सकते कैमरे, उन्होंने तो चैक ले ले, उन्होंने तो होर चीज़ें ले ले भी तुम किसी दसोगे तो बता। 15 बंद की जी हाजिरी के पैसे सुपरवाइजर तो लैके उपर जे चीफ ने या सैकटरी ने या ज्वाइंट सैकटरी ने जो भी है वो खाते, जिहड़े बेचारे मद्रासी लाए हुए उन्हों का खून पी रहे, लेडीज़ में सवेरे 6 बजे रोड से उतार देंगे है तो रात को 7-8 बजे तक उन्हों का काम लेते, जे किसी के बार बारे रोड़ी पई है वो रोड़ी भी इन्होंने चुकवाते हैं तो उस कोठी वाले तो 500-400 रुपया सुपरवाइजर लेते। यहो जे जिहड़े कपले हो गए इन्होंने मुलाजमान ने जो भर्ती कर लिया, हुण कंडीशन ये हो गई है कि 1-2 परिवारों के बंदे इत्थे लगे हुए, क्योंकि जिहड़ी बड़ी मच्छी है ना वो इन्होंने नाल रली हुई। सरकार की कोई नज़र नहीं है क्योंकि सरकार तो 15 साल का जिक्र किया, उस टाइम के अकालिया की सरकार भी रही, कांग्रेस की सरकार भी रही, हुण आम आदमी पार्टी की सरकार भी 2 साल हो गए, ये गोरखधंधा इसी तरीके चल रहा है किसी सरकार ने? बिल्कुल कुछ नहीं, सरकार के ध्यान जेडे क्योंकि पक्के मुलाजम घट है, 35-40 पक्के मुलाजम है, और जेडे नवे मुलाजम है इलाके के वाकफ है, हर MC जानते हैं, अकाली का हो चाहे कांग्रेसी का होने जाके सल्यूट मार देना, उन्हें कहना ठीक है तुम साड़ी, जो तो भी असं किसी रेहड़ी या फड़ी वाले की गल करते हैं तो उन्होंने कहने भी है तेरी रेहड़ी बिच की तेरे इलाके च, उन्होंने सीधे तौर पर मदद करता सुपरवाइजर, जबकि सुपरवाइजर करप्ट रेहड़ी कट के बेचती, सरकार की प्रोपर्टी बेचती, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं। जे कोई आवाज़ उठाता है वो उपर यह भी गल सामने आ रही है कि झूठे परचे जा इल्जाम सामने, इन्होंने 2-3 लेडीज ऐसी रखी हुई हैं, जे कोई मुलाजम इन्होंने उत्तों की होकर जाता उन्होंने लेडीज़ को कह दें भी तू इन्हू जाके ढाल है, असं बाद चो अंदर करा देंगे ठंडा हो जाएगा बाद चे नाल। 7-8 मुंडे से बड़ी अच्छे बंदे से वो, अजो इन्हें ऐसे करके डरते भी कि सानू ना निकलवा दे, पर उन्होंने जो भ्रिष्टाचार चलाया हुआ उन्होंने जो सिस्टम सैट करे हुए हैं भी चाले तो इन्ना लैना फड़ी वाले तो इन्ना लैना, वो सारे बन्ने हुए जी चीज़ा है अज वो बदले चल गया दूजे लै रहे।
सत श्री अकाल दोस्तों, न्यूज़ ओनली देख रहे हो तुसी। इस वक्त अपना दोस्त हरदीप सिंह भोगल। मोहाली की कारपोरेशन दे विच वड्डे कपले दे इल्ज़ाम लगे ने। सीधे तौर पर चौथा दर्जा जिहड़े मुलाजम ने उन्हां दी तकेशाही दे नाल लुट हो रही है। रेहड़ी फड़ी वाले तो वसूली की जा रही है। तो मामला छोटा वड्डा नहीं, लखां दा हैगा। साडे नाल प्रवीण टांक ने, जॉइंट मजदूरों की जिहड़ी एक्शन कमेटी हैगी उहदे आगू ने। गलबात करके समझांगे कि कपला किस तरीके नाल हो रहा हैगा। प्रवीण जी, सब तो पहला तो मसला मोहाली अर्गा, क्योंकि म्यूनसिपल कारपोरेशन चंडीगढ़ के नाल लगता है, एक विकसित शहर होवे तां उहदे तुसीं कह रहे हो वड्डे पद्धर ते धांधलियां हो रही, खास करके मुलाजम वर्ग की लुट हो रही है, किस तरीके की धांधली हो रही है? सत श्री अकाल जी, मैं पहला थोड़े चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता। जिहड़ी मजदूरों की जिहड़ी मैं कहूँगा भी जिहड़ी लुट किस तरह हो रही है, वो इहदा कारण है कि जदों 2020 एक मता पाया सी सरकार ने कि 958 बंदे ऑनलाइन भर्ती करो, उहदे च सिर्फ 200-250 बंदा ही इन्होंने ऑनलाइन भर्ती करे, जबकि पहला जिहड़ा ठेका सी उहदे च घट्टो घट 2000 बंदा काम करता सी और 2000 बंदे का जिहड़ा पैसा ठेकेदार नूं दे रहे सी या ठेकेदार तों लै रहे सी। इन्हां ने जिहड़े इन्हां दे जिहड़े मिली भुगत अफसर जिहड़े कमिश्नर या जिहड़े सैकटरी है, उन्होंने 250 बंदे तो ही 2000 बंदे का काम लै रहे हैं। और काम भी किस तरह लै रहे हैं कि जिहड़ा इन्होंने एक अलग तो जिहड़ा ए बी रोड है उहदा ठेका अलग दिता होया, तो जिहड़े डोर टू डोर का उहदा ठेका अलग, वह तो उन्होंने अपना अपना काम है। हुण जिहड़े बंदे डोर टू डोर से काम करते उन्होंने इत्थे भर्ती कर ले, वह भर्ती करके जिहड़े एरिए डोर टू डोर करते उसी चीज सफाई मारते हैं। सफाई भी की करते उन्होंने अगे अपने बंदे रखे हुए हैं। और जिहड़े इन्हां दा जिहड़ा ग्रोह है जिहड़ा बहुत बड़ा ग्रोह है, क्योंकि 2-3 बंदे ऐसे है जिहड़े पुराने मैं 15 साल तो देख रहा जो डोर टू डोर की लड़ाई असी लड़ी, सारे मुलाजमान के हक असी दवाए, उदों भी ये बहुत बड़े लैवल से चंदा खाते होंगे। 80-80 हज़ार रुपये एक बंदे तो लैना रैली करनी, रैली च की करना, एक पानी की टैंकी लानी, एक स्पीकर लाना। डेराबासी तो भी 80-90 हज़ार रुपया आता है, जीरकपुर तो भी 80-90 हज़ार आता, मोहाली तो भी 2-2.5 लाख रुपया आता, मतलब 5-6 लाख रुपए की रैली होंगी सी। जो मैं इन्हों के बिच बढ़िया, मैं उन्होंने कहा भी तुम इन्ना पैसा जरा इन्हों दें अपने बच्चों की पढ़ाई दिलाओ, तुम रैली करते हो, रैली चाहता खाना खवाने, वो कहते नहीं असं प्रेस वाले पैसा दे दें, असी उपर पैसा दे दें। मैं कहता या तो तुम किसी लंगर लाया हो, किसी चाह पियाई हो, कुछ कराया हो, उदों तो मैं इन्होंने खिलाफ उदो फिर इन्हों की 5-6 लाख रुपये महीने की जी आमदन से हर महीने एक रैली करते, ट्रैक्टर ट्रैली मगर ला लेंगे, वो भी पानी होंगे जी कमेटी का, एक स्पीकर के रश के तो देख लो कि खर्चा होना चाहिए, 1000 या 2000 रुपया खर्च के बाकी 5-6 लाख रुपया एक दो बंद की जेब से जा वड़ता। उस तो बाद इन्होंने क्या कराया कि सरकार ने जो 2000 मता पाया तो उन्होंने जोड़े अपने बंदे से वो सारे कराती, जबकि कमिश्नर ने कोई ऐसी ऐड नहीं दी किसी अखबार च, जिम्मे बड़े अखबार से ऐड आनी चाहिए भी ऑनलाइन भर्ती होगी, वो अखबार बड़े अखबारों से जानी चाहिए सी। इन्होंने अपने बंद दसता भी ऑनलाइन भर्ती कर लो, आ लै जो साड़ी मेल नंबर, तो जेडे अपने अपने बंदे रखा ले, जोड़ा बेचारा 10-10 साल तो 12-12 साल तो मुलाजम लगे हुए थे वो सारे अज अपने घर बैठे। यानी कि सीधे तौर पर मान लीए कि सरकारी कह के बोगस भर्ती की गई है, तो नाले ये भी गल सामने आ रही है कि बोगस भर्ती इस तरीके की गई है कि बंदा कुछ बोल भी नहीं सकता, तो नाले वो भी पंजाब तो नहीं की गई, बाहर सूबे तो? बिल्कुल बिल्कुल, पंजाब के तो मैं कहना ज़्यादा तो ज़्यादा 10 या 15 बंदे होणगे, और जिहड़े इन्होंने बाहरली स्टेटा तो बंदे लिया के उन्होंने पैसा लेके पैसा भी इस तरह लिया कि अज वो बोल भी नहीं सकते कैमरे च, उन्होंने तो चैक ले ले, उन्होंने तो होर चीज़ा ले ली भी तुम किसी दसोगे तो थोड़ा भजा दूंगे। इन्होंने अपने सुपरवाइजर लाए हुए है, वो सुपरवाइजर दे थले 20 बंदे है, तो 15 बंदे उन्होंने बाहर काम करते हैं, 5 बंदे इलाके काम करते हैं, 15 बंद की जी हाजरी के पैसे सुपरवाइजर तो लैके उपर जे चीफ ने या सैकटरी ने या जॉइंट सैकटरी ने जो भी है वो खाते हैं, तो शहर का काम नहीं होंगे। तो जोड़े बेचारे मद्रासी लाए हुए उन्होंने खून पी रहे, लेडीज़ में सवेरे 6 बजे रोड पर तार देंगे है, तो रात को 7-8 बजे तक उन्होंने काम लेंगे है। जे किसी के बार बुरे रोड़ी पई है वो रोड़ी भी इन्होंने चुकवाते हैं, तो उस कोठी वाले तो 500-400 रुपया सुपरवाइजर ले लेंदा भी 500 रुपये दे दो थोड़ी रोड़ी चकवा दूंगा या थोड़े पत्ते चकवा दूंगा या थोड़ा दरखत छिलवा दूंगा। यहोजे जे कपले हो गए इन्होंने मुलाजमान ने जो भर्ती कर लिया, हूँ कंडीशन ये हो गई है कि 1-2 परिवार के बंदे ही इतने लगे हुए हैं, वो जो किसी भी अफसर धमकाना या किसी अफसर इन्होंने कहना भी तुम हाजरी से आया करो, टाइम ना आया करो, आनू फिर या तो उन्होंने भजा देंगे या बेचारे तो जरा चार्ज हटवा देंगे, क्योंकि जी बड़ी मच्छी है ना वो इन्होंने नाल रली हुई है। सरकार की कोई नज़र नहीं है तो, क्योंकि सरकार तुम 15 साल का जिक्र किया, उस टाइम के अकालिया की सरकार भी रही, कांग्रेस की सरकार भी रही, हूँ आम आदमी पार्टी की सरकार भी 2 साल हो गए, ये गोरखधंधा इसी तरीके चल रहा है, किसी सरकार ने नहीं? बिल्कुल कुछ नहीं, सरकार के नहीं ध्यान, जेडे क्योंकि पक्के मुलाजम घट है,
35 तो 40 पक्के मुलाजम है और जोड़े नवे मुलाजम है इलाके के वाकफ है हर एम सी जानते हैं चाहे अकाली का हो चाहे कांग्रेसी का होना ने जाके सल्यूट मार देना और कहना ठीक है तुम साढ़े ही हो दो चार एम सी इन्हों रले हुए हैं वो जो भी असं किसी रेहड़ी या फड़ी वाले की गल करते हैं तो उन्होंने कहने भी तेरी रेहड़ी बिच की तेरे इलाके च उन्होंने सीधे तौर पर मदद करता सुपरवाइजर की जबकि सुपरवाइजर करप्ट है रेहड़ी कट के बेचती सरकार की प्रोपर्टी बेचती उन्हों की कोई सुनवाई नहीं साढ़े एक मुलाजम से जीत सिंह उन्हें इन्हों की शिकायत की बकायदा वो मेरे ख्याल 6 महीनों 7 जगह बदली करती क्योंकि अंदरों भी ये टिकट नहीं देंगे ये सारे जेडे जे कोई आवाज़ उठाता है उसके उपर यह भी गल सामने आ रही है कि झूठे परचे या इल्जाम सारा कुछ बिल्कुल बिल्कुल सारा कुछ चलता है इतने भी नहीं इन्होंने दो तीन लेडीज ऐसी रखी हुई हैं जे कोई मुलाजम इन्हों के उत्तों की होकर जाता उन्होंने लेडीज़ को कह देंगे भी तू इन जाके ढा ला असं बाद चुनू अंदर करा देंगे ठंडा हो जाएगा बाद चे रल जाता बथेरे मुलाजम इन्होंने रले हुए हो जोड़े इन्होंने विरोध खड़े से अज इन की चमची मारते हैं मैनू याद है 7-8 मुंडे से बड़ी अच्छे बंदे से वह अज इन्हें ऐसे करके डर दे कि सानू ना निकलवा देने क्योंकि इन्हें जेडे उपर अफसर 2-3 है वह मिले हुए हैं एक दो दी मैं बदली कराती है वह बदली करके इतों निकल गए हैं पर उन्हों का जोड़ा भ्रिष्टाचार चलाया हुआ उन्होंने जोड़े सिस्टम सैट करे हुए है भी चाले तो इन्ना लैना फड़ी वाले तो इन्ना लैना वो सारे बन्ने हुए जी चीज़ा है अज वह बदले चल गया दूजे लै रहे हैं सिस्टम उत्थे तो उत्थे ही है कितना पैसा इस विच इनवॉल्व हैगा किस तरीके नाल पैसे की जे असी गल करनी होवे किहदे किहदे तो किस तरीके नाल वसूली हो रही है इत्थों तक पता लगा कि चौथा दर्जा के जिहड़े मुलाजम ने उन्हां तों भी धक्के नाल पैसे वसूले जा रहे हैं कित्थों तक किन्ने क अमाउंट किन्नी क इनवॉल्व हैगी इनवॉल्वमेंट दा इदां भी देखो ये मैं 68 सैक्टर च रहिंदा 68 सैक्टर च जिहड़े नारियल वाले बैठे है एक दिन मैं सवेरे नारियल लैन गया मैं भी तुसीं इत्थे रेहड़ी फड़ी लाई है किन्ने पैसे दिंदे हो कहते 30 to 35,000 रुपये दिने एक एक अड्डे का एक महीने का और इस तरह सारे सैक्टर देख लो किन्ने अड्डे और पूरे मोहाली च किन्ने अड्डे है उसकी जी तैबदारी है या वो जी सुपरदारी है या वो कौन लिंदा की हुंदा ये सारा सिस्टम रलिया होया सरकार नूं नहीं पैसा जाता जाने की कारपोरेशन का सीधा पैसा कारपोरेशन 20 रेहड़ियां लगी है 20 रेहड़ियों पंजां दे पैसे की कट देंदे आ 15 की जेब च पा लेंदे आ सिस्टम चल रहा सरकार के खजाने एड्डा वड्डा खुरा लग रहा होवे सरकार अखां मीच के बैठी हो देखो दुख तो इसे गल का भी साडा जिहड़ा टैक्स है साडा जिहड़ा पैसा है वो फजूल इन्हां ते खर्चा जा रहा जिहड़े सुपरवाइजर या जिहड़े बंदे इन्हां ने कम्मां ते लाए हुए है वह बढ़िया गड्डियां ते आउंदे है अच्छे 10-11 बजे उठ के आउंदे 3 बजे दारू पी के फिर भज जांदे है ते जिहड़ा बेचारा गरीब मद्रासी मुलाजम है या गरीब मुलाजम है उन्हां ते तस्तक हो रहा उन्होंने दबाया जा रहा पिछे जी ये देखा सी मोहाली च बहुत सारिया रेहड़ियां फड़िया जिहड़ियां सी चुका दित्तियां गईयां सीगियां तां हुण फिर दोबारा उदे उस तरीके नाल ये सारिया चीज़ा चल रही मान लीए कि सिस्टम ही करप्ट हो गया है वो पिछले धांधलियां वड्डे पद्धर नहीं रेहड़ी फड़ी वाले का देखो जी सिस्टम सैट हो गया इन्होंने देख लिया भी 9 to 5 तक अफसर है 9 to 5 तक की उन्होंने गरंटी दे दी असं थोड़ा चकते नहीं 5 बजे तो बाद फिर ऐ ला लेंगे शाम को ऐ हों भी जिम्मे भैया मार्केट बनी होंगी दूर तक 68 सैक्टर की ला लो उधर गई गाव है उधर रेहड़ी वाले है ये सारा सिस्टम इन्होंने रलाया हुआ जो तो माड़ जहाँ हॉर्न मार देंगे भी असं आ रहे हैं तुम सैड पर हो जाओ ये रेहड़ी वाले सैड पर हो जाते महीना दे जाते तो जे असी गल करिए प्रवीण टैंक दा विच की कनैक्शन हैगा तुसी क्यों इनवॉल्व हो रहे हो कई वेले भी हुंदा ना कि बंदे नूं अपने इल्जाम लग जाते कई वेले कि यह भी पैसे भालदा होना तां ही मुद्दा चक्की फिरदा हैगा तुहाडी विच इनवॉल्वमेंट देखो जी मेरी इनवॉल्वमेंट ए है 2007 तो मैं मोहाली च जो नगर निगम बनया भी नहीं सी उदों दा मैं इत्थे आ जिहड़ा पैसा असी अपने टैक्स राही दे रहे हैं वह मिसयूज़ हो रहा मैं इन्हां ते कोई मेरे तो कोई 1 रुपये का इल्जाम ला के दिखावे कोई मुलाजम प्रवीण टाक ने किसी मुलाजम तो परची कटाई होवे किसी तो कोई चंदा लिया होवे किसी तो कोई धर्म का काम चंदा लिया होवे फिर तो असी इनवॉल्वमेंट आ पर जो असी देख रहे कि एक बंदे की लुट हो रही है सरेआम लुट हो रही है और एक दो बंदे लुट कर रहे हैं खरड़ तो लैके बनूड़ की लैटा तक एको बंदे का कब्जा पूरे कूड़े पर घट्टो घट भी 50,000 घर है 50,000 100 रुपये ना ला लो किड्डी वड्डी आमदन जेडे बाहरों भइए या जो बाहरों कोई लोग आते गरीब मजदूर आता उन्होंने कह दिया तू कूड़ा कड़ ला तो कूड़ा लै जा बाकी जी उगराई है वह सानू देनी है ये उगराई की लुट क्यों एक बंदा तो 50,000 घर रखी बैठा एक बंदे को 10 घर भी है नहीं वो मर रहा अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता तो मैं तो सरकार तो मंग करूँगा कि ये जेडे एरिए ने इन्हों वंड के
100-100, 200-200 जिस तरह मोहाली से इन्होंने चंडीगढ़ से वंट के दिते भी इन्हों वंट के दे दो 200 तो घर तो एक तो लोगों को रुजगार मिल जूगा। जी भर्ती हुई है उन्होंने भी चैक किया जाए कि भर्ती किस तरीके है। भर्ती तो जी मैं दसी जाना भी सरेआम सारी बोगस भर्ती हुई है, कोई एडवरटाइजमेंट नहीं हुई, कोई ऐड नहीं किसी टीवी पर आई। ये उन्होंने दसता भी ये अपना ऑनलाइन नंबर है, ये तो तुम अपने अपने करा लो। उन्होंने बंद ने अपने अपने करा के बाकियों जो 10-10, 12-12 साल पुराने घट्टो घट्ट 1000 बंदा अज अपने घर बैठा बेरोजगार होया। माड़ा जिक्र कर रहे थे कि किन्ने पैसे की इनवॉल्वमेंट है ये देखो नगर निगम मोहाली से मेरे हिसाब से घट्टो घट्ट जे ना करते भी तो 30-35 लाख रुपया हर महीने ये अखोरले करके ये जो अफसर खा रहे हैं। कि एक महीने का 30-35 लाख रुपया एक बंद तो लैके मुलाजमान की हाजिरी तो लैके उपर तक जोड़ा सिस्टम है वह सारा सैट है। इतों के मुलाजम एक बिच रुखे हुए इन्होंने वो कहते जी असी सफाई सेवक आ पर असी नौकरी नहीं करनी, सानू कहिंदा यूनियन ने लिख के दिता भी तू नौकरी नहीं कर सकता। मेरे को वीडियो दी वो बंदे दी वीडियो है, मैं ना नहीं लेना चाहता वो कहिंदा जी मैं मुलाजम हाँ सफाई कर्मचारी हाँ पर मैंने यूनियन ने लिख के दिता भी मैं झाड़ू नहीं मारनी। मुफ्त महीने महीने बाद पैसे खाते खाते पैसे ही अलग है, उन्हें इलाके अलग ले हुए है। जिमें कब्जा कर करके किसी को भजा के किसी की लत्त बात तोड़ के लत्त बात तोड़ी हुई बंदे मेरे को नाम है सब कुछ वो लत्त तोड़ के लाके एयरपोर्ट रोड से कब्जा कराया उस बकायदा परचा होया। भी एक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं मेरे तो मैं धमकियां दे रहे हैं प्रवीण टाक पैसे मंगता प्रवीण टाक ऐ कहता कोई भी एक मुलाजम ये कह दे प्रवीण टाक ने मेरे तो 1 रुपए की पर्ची कटाई होगी। उपर तक पहुँच की है सरकारी दरबारे कभी दसन की कोशिश की है 2022 च मेरी दरखास्त दी हुई है और अच 24 हो गया 2 साल हो गया कोई दरखास्त नहीं जद के इंडोक्स नंबर ला के वह मैं बकायदा एंट्री कराई हुई है म्यूनसिपल कारपोरेशन के अंदर भी ये जी शिकायत साढ़े दर्ज हो गई है। इतों का जो ज्वाइंट कमिश्नर दिखाना मैं थोनू जो कागज़ क्योंकि कागज़ा के उत्ते ही गल हो चंगी गल है तुम जो कागज़ शिकायत की है तो शिकायत भी लोगों को पता लगे भी शिकायत की कि समा हो चुका है तो किस तरीके उस कार्रवाई हुई ज नहीं हुई कि तक शिकायत की मैं जी चंडीगढ़ जहाँ का स्थानक डायरैक्टर है लोकल बॉडी 35 सैक्टर हाँ उन्होंने शिकायत दी सी 11/7/2022 उदू 24-8 मिनट ने मैंने जवाब दिता भी आ एक्ट है जी आ फलाना बंदा ऐ करता है तो मैं इन्होंने पूछा भी जड़ी मेरी दरखास्त अंदर गई हुई है जिदा मैं नंबर लवाया होया भी आ बंदा देखो तुसी आ मूवमेंट रजिस्टर है मूवमेंट रजिस्टर लिखा रविंदर सिंगला जी मुलाजम ने बदसलूकी ड्यूटी पर भजाउन बारे लोगों को रिपोर्ट करी आ रिपोर्ट हुई भी बेकायदा रिपोर्ट जाके अंदर दाखिल हुई भी 18/1/2023 ये मूवमेंट रजिस्टर दाखिल अजे तक ये तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर कि इंसाफ कि देखते दे। हूँ कि अपने वालों की अपील कर रहे हो मुख्यमंत्री साहब तक अपील कर रहे हो जो की कह रहे कोई अपील नहीं जी जदों तक नगर निगम की साफ सुथरी भर्ती ऑनलाइन नहीं चाहे ऑफलाइन भर्ती हो साफ सुथरे नगर निगम के मुलाजम रखे जा जोड़े काम कर जोड़े इन्होंने गैंगस्टर या जोड़े इन्हों गैंगबाद कराया हो लोगों को डरा डरा के धमका धमका के मार पिट के भजाए हुए है लोगों को वह सारा मोहाली तक कब्जा कराया हुआ जब तक कि साफ नहीं हुंदा क्योंकि थलड़े मुलाजम जो कमा के उपर देंदे उपरले उदू उपर देंदे कमा के इन्हां दे महीने सैट होए हुए है भी तुसी जो मर्जी हाजिरी लाओ रजिस्टर जो मर्जी करो तो पिछे जे रविंद्रपाल सिंह साढ़े RP सिंह जी ने एक रजिस्टर मंग लिया किसी तो और रजिस्टर वाले ने उन्हें धमकी दी कि जिहड़ा रजिस्टर तू लैके गया खुद दे के जाएगा नहीं तो कहिंदा तैनू 4 दिनां दे अंदर तेरा परिवार खत्म कर दूँ। जो असी एप्लीकेशन दर्ज कराई 8 फेस थाने उत्थे आके इन लोगों ने साढ़े तो एप्लीकेशन लाया भी रविंद्रपाल शर्मा RP सिंह जिहड़ा शर्मा उन्हें सानू गाला कढ़िया जाति सूचक जदके RP सिंह खुद SC है तो असी उस मौके पर हाजिर हाँ क्योंकि इन्होंने सहारा लिया बाबा साहब के जिहड़ा एक्ट का सहारा लिया जे नहीं कोई मनता तो उदो SC एक्ट लवा दो मतलब लास्ट हथियार भी इन्होंने चला के देख लिया। कल भी इन्होंने जाके उत्थे एक झूठे उत्थे कंप्लेट कराई है कि रणजीत मिश्रा तो सुभाष सिंह वो सानू जाति सूची गाला कढ़ गए जबकि उन्होंने कोई ऐसी गल नहीं करी कोई गाला नहीं कढ़िया सिर्फ इंसाफ लई RP सिंह के नाल खड़े हैं अज भी खड़े हैं पहले भी खड़े से और 2020 तो लैके 22 तक 23-24 4 साल हो गए मैंने लड़ते कोई इंसाफ नहीं अंदर जी गुंडागर्दी अंदर फैली हुई है इनू साफ करके वधिया भर्ती करा के जोड़े मुलाजम कढ़े है या जोड़े मुलाजम 10-10, 12-12 साल तो पक्के होना चाहते थे वो इन्होंने कढ़ते उन्होंने दोबारा भर्ती करके इंसाफ दवा के लोगों को तरीके काम कराया जाए। तुसीं पूरा मामला सुनिया वड्डे इल्ज़ाम ने फिलहाल देखना होगा कि इन्हां इल्ज़ामों तो बाद सरकार का की रवैया रहने वाला है जिहड़े व्यक्तियों ते इल्ज़ाम लग रहे हैं
वह अपना की पक्ष देंगे ने मीडिया के सामने आके, क्योंकि इन्होंने वड्डे इल्जाम लगा दिए ने उन्होंने, साफ तौर पर जिक्र कर रहे हैं कि वड्डे पद्धर से धांधलियां हो रही, हेराफेरी हो रही है। एक महीने का 35 से 40 लाख रुपया 30-35 लाख रुपया सीधे तौर पर वड्डे पद्धर से सरकारी खजाने खोरा लग रहा है। तो मुख्यमंत्री साहब अक्सर जिक्र करते थे कि भ्रिष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस हैगी। फिलहाल देखना होगा कि इस खबर के नशर होने बाद पंजाब की सरकार के वालों की एक्शन लिया जाता है। तो इस बारे की सोचते हो, अपने कमेंट टिप्पणियां जरूर साझे करो। सहयोगी लखविंदर के नाल हरदीप सिंह भोगल, न्यूज़ ओनली मोहाली।